हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू दीक्षांत सर टेक। आई एम ज्योति, योर ईवीएस टीचर। सो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न आवर ईवीएस सब्जेक्ट एंड टुडे टॉपिक इज टू स्टे हेल्दी। टू स्टे हेल्दी, ओके। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टू स्टे हेल्दी, यानी हेल्दी रहना। ठीक है, तो हेल्दी रहना उसके लिए क्या क्या करना होगा, ये सारे इस टॉपिक में आज हम लोग लर्न करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, सो टॉपिक है टू स्टे हेल्दी। ठीक है, टू स्टे हेल्दी। यहाँ पिक्चर्स में हम लोग क्या दिख रहा है, इस पिक्चर में चिल्ड्रंस और जो क्या है, हैप्पी हैं, है ना, हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं और सभी लोग क्या कर रहे हैं, हाय, है ना। तो ये सभी लोग क्या कर रहे हैं, हाय कर रहे हैं। तो कहीं से भी कोई भी चिल्ड्रन जो है या कोई भी बच्चा आपको अनहेल्दी दिख रहा है, बीमार नहीं दिख रहा है ना। क्यों नहीं दिख रहा है, क्योंकि ये जो खाते हैं वो हेल्दी फूड खाते हैं, हेल्दी फूड। ठीक है, तो आज जिस टॉपिक पे हम लोग लर्न करने जा रहे हैं टू स्टे हेल्दी, इसमें हम लोग ईटिंग यानी खाने के बारे में, किस टाइप का फूड हम लोग खाते हैं और कौन से फूड को खाने से हमें क्या रिएक्शन हमारी बॉडी पे होगा, वो हमारे लिए हेल्दी है या अनहेल्दी है, ये सारी चीज़ें इस टॉपिक पे आज हम लोग लर्न करने वाले हैं। तो जैसा कि अभी ये चिल्ड्रंस जो हैं, ये क्या है, हैप्पी है। क्यों हैप्पी है, क्योंकि ये अंदर से फिट हैं, अंदर से हेल्दी हैं। जब हम लोग कुछ खाते हैं और उससे कुछ प्रॉब्लम होती है तो हमारा चेहरा ऐसा हैप्पी नहीं दिखता है, सैड हो जाता है, उदास हो जाता है, क्योंकि हमारे अंदर कुछ प्रॉब्लम हो रही है। और अगर जब कुछ अच्छा खाते हैं तो हमारी बॉडी में एनर्जी आती है और हम लोग एक्टिव रहते हैं, हमेशा हंसते रहते हैं, इस टाइप से। ठीक है, तो हेल्दी रहने के लिए हमें कैसा डाइट प्लान करना चाहिए, किस टाइप के फूड्स खाने चाहिए, उन सभी के बारे में आगे हम लोग लर्न करेंगे। ओके, तो फर्स्ट हेल्दी रहने के लिए हमें ईटिंग यानी खाने की ज़रूरत है। ठीक है, जब तक हम लोग खाना नहीं खाएंगे हम लोग कुछ काम नहीं कर पाएंगे, होता है ना। जब तक गाड़ी में हम लोग पेट्रोल नहीं डालते वो चलती नहीं है, उसी तरह हमारी बॉडी भी है, जिसे फूड्स की या खाने की ज़रूरत होती है। जब हम लोग फूड्स को अपने अंदर खाते हैं तो वो हमारे बॉडी में एनर्जी लाती है और हम लोग हर वर्क, चाहे वो पढ़ना हो, खेलना हो, दौड़ना हो या कोई काम है, वो सभी चीज़ हम लोग कर पाते हैं। जब तक हमारे अंदर एनर्जी नहीं आएगी तो हम लोग कोई काम नहीं कर पाएंगे। तो हेल्दी रहने के लिए सबसे पहले तो ईटिंग ज़रूरी है। हमें अपना जो भी रूटीन है यानी ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, ये जो तीनों चीज़ें होती है, तीन जो मेन मील होता है हमारे खाने का, मतलब हमारे हम दिन भर में ये तीन बार अच्छे से हम लोग क्या करते हैं, ईटिंग करते हैं, खाना खाते हैं, तो ये तीनों जो है वो एकदम टाइमली होना चाहिए। ठीक है, ये होने से क्या होता है, हमारी बॉडी को पता रहता है कि अब मुझे फूड मिल रहा है, अब मैं एनर्जी बनाऊंगा और फिर हम लोग आगे जो भी काम है वो करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट है ईटिंग, यानी हमें खाना खाना चाहिए और ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर ज़रूर करना चाहिए। ओके, तो ये हो गया हमारा ईटिंग। ओके, अब ईटिंग के बाद हम लोग आगे जिस टॉपिक पे लर्न करने वाले वो है हेल्दी अनहेल्दी फूड्स। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अभी। लुक एट दिस पिक्चर, हेल्दी फूड्स।
अनहेल्दी फूड्स। ओके, तो यहाँ पर जो पिक्चर्स में हम लोगों को दिख रहा है, इन सारे जितने भी आइटम्स हैं उन्हें आप अच्छे से पहचानते हो, पहचानते हो ना, ये क्या है, एप्पल, पियर, प्रोमोग्रेनेट, बनाना, ये सारे क्या है, फ्रूट्स। क्या है ये, फ्रूट्स है ना। एंड दिस साइड पिज्जा, चाउमीन, चिकन, ये डोनट, आइसक्रीम, मिल्क शेक, बर्गर, फ्रेंच फ्राइज, ये सारी चीज़ें भी आप पहचानते हो क्योंकि आप इसे कभी ना कभी तो खाए हो ना। हाँ, तो इनमें आपको टेस्टी कौन सा चीज़ लगता है, दिस साइड या दिस साइड? दिस साइड। ओके, अगर आपको ये इस साइड के फूड्स अच्छे लगते हैं तो ये है अनहेल्दी फूड्स, यानी ये हमारी हेल्थ के लिए अच्छे नहीं हैं। और अगर इस साइड के जो भी फ्रूट्स आपको पसंद है तो ये है हेल्दी फूड्स, हेल्दी फूड्स। इसे हम लोग और डिटेल में जानते हैं। फर्स्ट हम लोग हेल्दी फूड के बारे में डिटेल से बात करते हैं। ओके, तो हेल्दी जो फूड है, यहाँ पर जो हम लोग देख रहे हैं ये वेजिटेबल्स हैं, ये फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ये सारी जो चीज़ें हैं ये हेल्दी फूड हैं। ये इन्हें खाने से क्या होगा, हमारी बॉडी में एनर्जी आएगी, ये हमारी बॉडी को कोई प्रॉब्लम में नहीं डालेगा। ठीक है, इन सब को खाने से हमारी बॉडी में जिन चीज़ों की कमी हो जाती है वो पूरी हो जाती है। इन सभी चीज़ों को जब हम लोग खाते हैं तो हमारी बॉडी में, अगर आप भी सुनते हो कि आयरन की कमी है, इसकी कमी है, इस वजह से बीमार है, तो जब हम लोग वेजिटेबल्स या फ्रूट्स खाने लगते हैं तो वो जो फ्रूट या वेजिटेबल है उस कमी को पूरा कर देती है, इसीलिए वो कहलाती है हेल्दी फूड्स, हेल्दी फूड्स। हेल्दी फूड्स जो है उन्हें जब हम लोग खाते हैं तो हमें क्या होता है, हमारे बॉडी की जितनी भी चीज़ों की हमारे अंदर कमी होती है वो पूरी हो जाती है। देखो यहाँ ये फ्रूट्स खा रहा है, मिल्क, वेजिटेबल यानी सैलेड, ये सारी चीज़ें लेकर के ये खा रहा है और कितना हैप्पी है, देखो ये हैप्पी हैप्पी दिख रहा है ना। ईट हेल्दी फूड्स, हमें हेल्दी फूड्स खाने चाहिए। हेल्दी फूड्स खाने से हम लोग क्या रहते हैं, हैप्पी रहते हैं। ठीक है, यहाँ भी हम लोग देख रहे हैं ये कैरेट है, उसके बाद इसने फ्रूट्स, मिल्क और चीज़ वगैरह ये सब लिया हुआ है, और ये हेल्दी फूड्स जो हैं इन्हें खाने से हमारी बॉडी क्या होती है, हेल्दी होती है, फिट होती है, और जब हम फिट होते हैं तब हम क्या रहते हैं, खुश रहते हैं। हेल्दी फूड खाने से कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। नेक्स्ट है अनहेल्दी फूड्स, अनहेल्दी फूड्स, ये व्हाट इज दिस, यस बर्गर, एंड दिस फ्रेंच फ्राइज, बहुत टेस्टी लगता है खाने में, है ना, खाने में तो बहुत मज़ा आता है, बट इसमें जो ये बन होता है, फिर ये सॉस वगैरह होती है, ये सारी चीज़ें होती है वो अच्छी नहीं होती है, उनसे वो कुछ उसमें केमिकल्स मिलाए रहते हैं तब जाके उसको बनाया जाता है, क्योंकि कोई भी चीज़ जब घर पे बनती है दूसरे दिन वो ख़राब हो जाती है, बट जब हम बॉटल वाली चीज़ें देखते हैं तो वो बहुत दिनों तक चलती है। क्यों चलती है, क्योंकि उसमें केमिकल्स वगैरह मिला करके उसको
ठीक रखा जाता है, तो वो सारी चीज़ें हमारी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है। रेगुलरली खाना, ठीक है, हमेशा उन सारी चीज़ों को ही खाना हमारे लिए अच्छी नहीं है। फ्रेंच फ्राइज है, इसे क्या करते हैं, ऑयल में बार 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 इसे फ्राई किया जाता है, जिससे पूरा ऑयल इसके अंदर आ जाता है, और ज़्यादा ऑयल हमारी बॉडी के यानी हमारे हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है। इससे खाने से बहुत ज़्यादा जो फैट है हमारे अंदर आ जाता है, और वो हमारे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है। लुक एट दिस पिक्चर, डू नॉट ईट अनहेल्दी फूड्स। फर्स्ट तो यहाँ पर सारे फूड्स हैं जो अनहेल्दी हैं। अब जो इसे ईट कर रहा है, जो खा रहा है, उसे देखो ये कैसा हो गया है, इसके पूरे हाथ इतने मोटे मोटे, गाल इतना मोटा मोटा हो गया है ना। और ये क्या है, बैठा हुआ है, इससे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा, इतना मोटा हो गया है ये, है ना। तो क्यों हो गया इतना ज़्यादा, ये फैटी चीज़ें, चिप्स, चाउमीन, ये सारी चीज़ें खा रहा है, कोल्ड ड्रिंक वगैरह, तो ये क्या करते हैं हमारी बॉडी में बैलेंस को गड़बड़ कर देते हैं, और हमारी बॉडी क्या होती है, वो मोटी हो जाती है। मोटी हो जाने से क्या हो जाता है, जो मोटे लोग हो जाते हैं उन्हें चलने का मन नहीं करता है, उन्हें दौड़ने भागने खेलने का मन नहीं करता है, होता है ना। तो अनहेल्दी चीज़ें खाने से हमारी बॉडी क्या हो जाती है, इस तरह से मोटी हो जाती है, फैटी हो जाती है, ठीक है। यहाँ ये जो बॉय है, इसे भी देखो, ये भी क्या खा रहा है, पूरे अनहेल्दी चीज़ें खा रहा है ना, सारी अनहेल्दी चीज़ें हैं, बर्गर, फ्रेंच फ्राइज, ये ब्रेड, ये चिकन लॉलीपॉप, ये कोल्ड ड्रिंक, ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये अनहेल्दी फूड है, जो हमारी बॉडी के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। तो अनहेल्दी फूड को खाने से हमारी बॉडी एक तो ये इस तरह से मोटी हो जाएगी, देख रहे हो, और इसे भी देखो, इसका भी कितना मोटा हो गया है। अब ज़्यादा मोटे हो जाएंगे तो ज़्यादा दौड़ नहीं पाएंगे, ज़्यादा दौड़ेंगे तो हम हाँफने लगते हैं, ठीक है। ज़्यादा मोटे जो लोग हो जाते हैं वो ज़्यादा दौड़ नहीं पाते हैं, अब ज़्यादा दौड़ेंगे नहीं तो खेलेंगे भी नहीं, तो उनकी सारी एक्टिविटी भी ख़त्म हो जाती है ना। घर के बाहर खेलना भी उनका बंद हो जाता है, जिससे क्या होता है, बैठे बैठे खाते रहो, इन्हीं चीज़ों को खाते रहो, और मोटे हो जाएंगे, फिर हमें अलग अलग बीमारियाँ हो जाएंगी, ठीक है। तो अनहेल्दी फूड्स को रेगुलरली यानी रोज़, हर जो मील है हमारा, ब्रेकफास्ट, डिनर, लंच, इसमें हर टाइम नहीं खाना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर लुक एट दिस, हेल्दी फूड्स आर गुड फॉर आवर हेल्थ। हेल्दी So, healthy foods are good for our health. यहाँ जितने भी food item यहाँ दिख रहे हैं ना, ये सारे हैं healthy foods. क्या है? Healthy foods. जैसे ये क्या है? ये grains है, ये है fruit, chicken, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ये बनाना, मिल्क, ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या है, योगर्ट, फिश, ये सारी चीज़ें जो हैं ये हमारे हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी हैं, ठीक है। इनसे जो भी चीज़ें यानी प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, ये सारी चीज़ें जो मिलती है हमारी बॉडी को, वो हमें ग्रो करने में यानी बढ़ने में, एनर्जी के लिए, ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है,
वो सारी चीज़ें इन सभी चीज़ों से कंप्लीट होती है, पूरी होती है। तो हेल्दी फूड जो होते हैं वो हमारी बॉडी के लिए अच्छे होते हैं, ठीक है। इन्हें खाने से हमें कोई नुकसान नहीं होता है, और इन सभी चीज़ों को हमें अपने ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर में लाना ही चाहिए। इनसे बनी हुई चीज़ों को ही हमें खाना चाहिए। डेली रूटीन में इन्हीं सभी चीज़ों से, यानी मिल्क हमें रोज़ पीना चाहिए, ठीक है। रोज़ मिल्क पीना चाहिए, विटामिन डी वगैरह और ये सारी चीज़, सॉरी विटामिन के लिए, प्रोटीन के लिए, इन सभी मीट, ये फिश, ये सारी हमारे प्रोटीन की जो हमारे बॉडी को ज़रूरत होती है वो सारी पूरी करती है। फ्रूट वेजिटेबल्स जो हैं वो हमारे अंदर क्या लाती है, एनर्जी लाती है। इन सभी चीज़ों को हमें अपने फूड, इन सभी फूड्स को हमें अपने ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर, यानी अपने खाने में इन सभी चीज़ों को डेली यूज़ करना चाहिए, इन्हें ही खाना चाहिए, इनसे बनी हुई चीज़ों को खाना चाहिए, या फिर फ्रूट्स रोज़ हमें एक फ्रूट खाना चाहिए, चाहे वो एप्पल हो या बनाना हो या कोई भी सीजनल फ्रूट होता है वो हमें लेना चाहिए। फिश और मीट भी खाना चाहिए, जो वेजिटेरियन है उन्हें मिल्क ज़रूर लेना चाहिए, अगर वो नॉन वेज नहीं खाते हैं तो उन्हें मिल्क अपनी डाइट में रोज़ लेना चाहिए, ठीक है। फ्रूट वेजिटेबल्स तो सभी लोग खाते हैं, सभी को खाना चाहिए। ग्रेन्स और ये अनाज वगैरह हमें भी अपने रूटीन में रखना चाहिए। ये है हमारे हेल्दी फूड, ठीक है। अब है अनहेल्दी फूड। अनहेल्दी फूड आर बैड फॉर आवर हेल्थ, हमारी हेल्थ के लिए अनहेल्दी फूड जो होते हैं वो खराब होते हैं। फर्स्ट जो पिक्चर में हमें दिख रहा है, ये दिख रहा है, दिस मैन, ये मैन कैसे दिख रहा है, फैटी दिख रहा है, बहुत मोटा। क्यों दिख रहा है? क्योंकि ये अनहेल्दी फूड्स को खाता है। अनहेल्दी फूड्स को खाने से क्या हो जाते हैं, इस तरह से फैटी हो जाते हैं। देखो ये डोनट, ये सारे बर्गर, पिज़्ज़ा, ये कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम, इन सभी चीज़ों में उन वो सारी चीज़ें ज़्यादा होती हैं जो हमारी बॉडी के लिए बिल्कुल भी हेल्दी नहीं होते हैं, ठीक है। जैसे ये डोनट होता है, इसमें शुगर बहुत ज़्यादा होता है, इसके ऊपर डेकोरेशन जो करते हैं तो शुगर से, जो चीनी होती है उससे करते हैं, और शुगर हमारी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, ठीक है। इन सभी में इतना बटर और ऑयल होता है जो ज़्यादा जब हम लोग ले लेते हैं तो फिर हमारी बॉडी को वो नुकसान पहुंचाते हैं। फ्रेंच फ्राइज के बारे में अभी बताया, वो बार बार ऑयल में फ्राई होती है तो वो भी अनहेल्दी है। पिज़्ज़ा जो है वो ब्रेड जो होता है, मैदा होता है, उससे बनी होती है तो वो भी अनहेल्दी है। जूस हमें जो अपने घर में जो हम लोग जो रियल फ्रूट्स के जूस हैं वो यूज़ करने चाहिए, इस तरह से खरीद करके जो कलर वगैरह उसमें मिलाए रहते हैं कि वो ज़्यादा सुंदर दिखते हैं, ठीक है। इस वजह से कुछ लोग उसे पीना शुरू कर देते हैं क्योंकि वो बहुत सुंदर दिखता है, जबकि नॉर्मली फ्रूट के उतने कलर्स नहीं होते हैं। जो हम लोग नॉर्मली जो मैंगो है उसको अगर उसका अगर जूस निकालेंगे तो उस कलर में नहीं आएगा, बट और जो कोल्ड ड्रिंक वाले मैंगो जूस है उसका कलर देखने पे वो कुछ और ज़्यादा अच्छा लगता है। तो क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि उसमें कलर्स वगैरह मिला करके उसको सुंदर, उसको ब्यूटीफुल दिखाते हैं, उसको ज़्यादा अच्छा दिखाते हैं कि हम देख करके उसको खाने या पीने के लिए सोचेंगे, ठीक है। तो कलर्स का बहुत ज़्यादा क्या होता है, इन सब खानों में यूज़ होता है। जो कलर्स जो होते हैं
वो हमारी खाने की चीज़ तो नहीं होती है, उसे ज़्यादा खाएंगे तो वो हमें क्या करेगी, प्रॉब्लम कुछ हो जाएगा हमारे बॉडी में, है ना। तो कलर्स वगैरह इसमें ज़्यादा यूज होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है। बर्गर होता है, बर्गर में भी बहुत ज़्यादा सॉस वगैरह रहते हैं, जो सॉस होता है वो टमाटो का सॉस रहता है, वो जो रियल टमाटो होता है उससे भी ज़्यादा रेड होता है, कितना ज़्यादा रेड होता है ना, बट रियल जो टमाटो होता है वो उतना रेड नहीं होता है। तो ये सॉस क्यों इतना रेड हो गया, क्योंकि उसमें बहुत सारे केमिकल्स और कलर्स मिलाए हुए होते हैं, जिससे वो क्या होते हैं, एकदम रेड, बहुत अच्छे दिखते हैं। तो बर्गर वगैरह में भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे हेल्थ के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं होता है। आइसक्रीम, आइसक्रीम जो सभी का फेवरेट होता है, बट आइसक्रीम जब बनती है तो उसमें बहुत ज़्यादा शुगर वगैरह, शुगर का यूज़ होता है, और शुगर क्या है हमारी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो होती है ये बस देखने में क्या होती है, बहुत अच्छी लगती है, इसलिए हम उसे खाना चाहते हैं, बट उसको खाने से उतना ही ज़्यादा क्या है, हम प्रॉब्लम में आ जाते हैं। इसीलिए इन्हें खाने से पहले एक बार सोचना चाहिए कि हाँ ये हेल्दी है या अनहेल्दी। ओके, सो लुक एट दिस पिक्चर, अनहेल्दी फूड एंड हेल्दी फूड। अनहेल्दी फूड, यहाँ पर जो ये गर्ल है ये क्या खाती है, अनहेल्दी फूड्स। अनहेल्दी फूड खाने से ये कैसी दिख रही है, कितनी मोटी हो गई है ना। और इस साइड कौन है, ये है हेल्दी फूड, और ये जो गर्ल है ये क्या खाती है, हेल्दी फूड्स खाती है, और हेल्दी फूड्स खाने से क्या है, ये एकदम फिट एंड हेल्दी है, जो हम लोग पिक्चर में देख रहे हैं, ठीक है। तो जब अनहेल्दी फूड्स को खाएंगे तो इस जैसे हो जाएंगे, और हेल्दी फूड्स को जब हम खाएंगे तो ऐसे हो जाएंगे। ओके, सो ईट ओनली हेल्दी फूड्स। कुछ लोग जो होते हैं वो इसे ही अपना डिनर या ब्रेकफास्ट बनाते हैं, जैसे बर्गर, कोल्ड ड्रिंक, फ्रेंच फ्राइज, इस टाइप से इसे ही अपना लंच या डिनर, इसे ही डेली जो खाते हैं, ठीक है। तो इसे हमें क्या करना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए, और हमें इस टाइप से यानी ग्रीन वेजिटेबल्स, ब्राउन ब्रेड्स, जूस, सूप, ये जो चीज़ें हैं यानी हेल्दी फूड है, इन्हें अपनी डाइट में लाना चाहिए, अपने ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर में हमें इसी टाइप से फ्रेश और हेल्दी फूड खाना चाहिए। तो अभी तक हम लोगों ने हेल्दी एंड अनहेल्दी के अच्छा और बुरा ये दोनों चीज़ों पे हम लोगों ने टॉपिक पे हम लोगों ने बात की। अब देखते हैं यहाँ पर कि हेल्दी फूड इज गुड और अनहेल्दी फूड इज गुड। ओके, तो फर्स्ट यहाँ पर क्या है, हेल्दी फूड, और ये क्या है, गुड, और अनहेल्दी फूड नॉट गुड, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, इसने हेल्दी फूड को अप किया है, तो अब इस बात को आप लोग अच्छे से समझ गए हो कि हेल्दी फूड ही हमारी हेल्थ के लिए क्या है, बेस्ट है, और अनहेल्दी फूड को हमें अवॉइड करना चाहिए, नहीं खाना चाहिए। यहाँ पर गुड एंड बैड है, अब मीटर जो है वो किसके साइड है, गुड, और गुड कौन है, हेल्दी फूड्स। हेल्दी फूड्स क्या है, गुड है,
और अनहेल्दी फूड्स यानी जंक फूड बैड, ठीक है। तो ये है गुड और ये है बैड, हमें हेल्दी फूड ही खाना चाहिए। अब नेक्स्ट टाइम जब भी हमारे पास अनहेल्दी फूड्स यानी जंक फूड्स आएंगे तो हमें क्या करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए, अवॉइड अनहेल्दी फूड्स। उसके लिए हमें मना करना होगा, ये नहीं कि जब भी हमारे पास अनहेल्दी फूड्स आ जाएं और हम उसे खा ले, तो हमें क्या करना चाहिए, उसे अवॉइड करना चाहिए, बार बार नहीं खाना चाहिए। सो अभी तक हम लोगों ने हेल्दी एंड अनहेल्दी फूड्स के बारे में क्या किया, बहुत सारी बातें की, अनहेल्दी फूड कौन कौन से होते हैं, हेल्दी फूड्स कौन कौन से हैं। तो कुछ एक्टिविटी करते हैं और इससे पता चलेगा कि हमें कौन कौन से फूड्स खाने चाहिए जो हमारी हेल्थ के लिए गुड हैं, ठीक है। तो सर्किल द हेल्दी फूड आइटम, हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जो फूड आइटम्स दिख रहे हैं उनमें जो हेल्दी है, जो हमारे लिए हेल्दी है, उन हेल्दी फूड आइटम्स को हम लोग सर्कल करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट पिक्चर में हमें दिख रहे हैं चिप्स। चिप्स नॉट फॉर गुड, नॉट गुड। सेकंड है बनानास। बनानास ये क्या है, गुड फॉर हेल्थ। बर्गर, नो बर्गर नहीं है। बटर, ज्यादा बटर भी नहीं खाना चाहिए। मिल्क, यस मिल्क इज हेल्दी फूड। चॉकलेट, नो। एग्स, यस एग्स खाने चाहिए, एग्स में प्रोटीन होता है जो हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। केक, नो केक में क्या होता है, बहुत शुगर होता है। ग्रेप्स, यस। वेजिटेबल्स, यस। कपकेक्स, कोल्ड ड्रिंक्स, नो। ग्रेन्स, सीरियल्स एंड ग्रेन्स, यस। अनाज और दालें हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छी हैं। नेक्स्ट, टेक द हेल्दी फूड एंड क्रॉस द अनहेल्दी फूड आइटम्स। यहाँ पर भी हेल्दी एंड अनहेल्दी फूड आइटम्स के पिक्चर्स दिए हुए हैं, हमें जो हेल्दी है उनके लिए टिक करना है और अनहेल्दी के लिए क्रॉस। तो फर्स्ट है फ्रेंच फ्राइज, अनहेल्दी। बनाना, हेल्दी। चीज, अनहेल्दी। चॉकलेट्स, अनहेल्दी। बटर, अनहेल्दी। चॉकलेट्स, अनहेल्दी। ग्रेप्स, हेल्दी। बर्गर, अनहेल्दी। सूप, हेल्दी। केक, अनहेल्दी। स्ट्रॉबेरी, हेल्दी। एग्स, हेल्दी। आइसक्रीम, अनहेल्दी। चिकन, मटन, अनहेल्दी। मिल्क, हेल्दी। बर्गर, अनहेल्दी। ओके, अभी कुछ और भी पिक्चर्स हैं जो फूड आइटम्स के हैं, हम लोगों को यहाँ भी देखना है कि हेल्दी एंड अनहेल्दी फूड आइटम कौन कौन से हैं और उन्हें हम टिक एंड क्रॉस करेंगे। ओके, टिक द हेल्दी फूड आइटम एंड क्रॉस द अनहेल्दी फूड आइटम। फर्स्ट बनाना, हेल्दी। पिज्ज़ा, अनहेल्दी। कोल्ड ड्रिंक, अनहेल्दी। कुकुम्बर, हेल्दी। चॉकलेट, अनहेल्दी। बर्गर, अनहेल्दी। ब्रेड, अनहेल्दी।
जूस, हेल्दी नूडल्स, अनहेल्दी कैशू, हेल्दी ब्रिंजल, हेल्दी मैंगो, हेल्दी मिल्क, हेल्दी सैंडविच, अनहेल्दी केक्स, अनहेल्दी। ओके, सो इन सारे फूड आइटम्स को आप लोग भी देखे हो, खाए भी हो, तो अब अगली बार से पता चल जाएगा कि ये हेल्दी है या अनहेल्दी। नाउ अब क्या करना है हमें, हेल्दी अनहेल्दी में लाइन यानी लाइन ड्रॉ करनी है। ओके, तो फर्स्ट में है कॉर्न। कॉर्न क्या है, हेल्दी है, हेल्दी। आइसक्रीम अनहेल्दी पेयर, हेल्दी क्योंकि ये फ्रूट है और बहुत अच्छा होता है हमारे हेल्थ के लिए। कैंडी अनहेल्दी, सोडा अनहेल्दी, पिज्जा अनहेल्दी। नेक्स्ट है चिप्स, चिप्स अनहेल्दी। कपकेक्स अनहेल्दी, मिल्क हेल्दी, ऑरेंज हेल्दी, कुकीज अनहेल्दी, एग्स हेल्दी। ओके, सो ये हेल्दी एंड अनहेल्दी फूड आइटम्स थे। नाउ वी राइट हेल्दी एंड अनहेल्दी। ओके, फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे, आइडेंटिफाई द लेबल ईच फूड एज हेल्दी और अनहेल्दी। अब हम लोग यहाँ राइट करेंगे हेल्दी और अनहेल्दी। तो फर्स्ट में हमें ये बीट रूट दिख रहा है, जो बीट रूट है वो हेल्दी होता है। हेल्दी, ठीक है। फिर ये जेली है जो अनहेल्दी होता है। अनहेल्दी ब्रोकली हेल्दी, हेल्दी ब्रोकली जो वेजिटेबल है एक बहुत हेल्दी होता है। आइसक्रीम अनहेल्दी, अनहेल्दी। ये चिकन अनहेल्दी, केक्स अनहेल्दी, ड्राई फ्रूट्स हेल्दी, स्नैक्स अनहेल्दी। स्ट्रॉबेरी हेल्दी, ओके। सो ये है हेल्दी एंड अनहेल्दी फूड आइटम्स। नॉनवेज जो होता है वो हेल्दी होता है, बट उसे ज्यादा जब हम लोग यूज करेंगे तो वो अनहेल्दी हो जाएगा। ओके, सो हेल्दी
अनहेल्दी, इन सारे फूड आइटम्स के बारे में अभी हम लोगों ने लर्न किया। टू स्टे हेल्दी इस टॉपिक पे हमें क्या क्या फूड आइटम्स खाने चाहिए, क्या क्या नहीं खाने चाहिए, कौन से फूड आइटम हमारे लिए हेल्दी हैं और कौन अनहेल्दी है। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।